शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिले में कोरोना वायरस के प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है और समय समय पर जिला कलेक्टर एक विशेष अभियान के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। तब हिंगनघाट पुलिस यातायात विभाग की ओर से भी कार्रवाई की गई। जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार प्रशासन के एक विशेष सतर्कता अभियान के तहत हिंगनघाट शहर में सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने वाले व्यापारियों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। पुलिस प्रशासन भी इस ऑपरेशन में सबसे आगे है। शहर के ट्रैफिक पुलिस बिना किसी कारण घूमने वाले नागरिकों को सड़क पर रोक कर दोपहिया वाहन जाँच करती दिखाई दी, जिससे वाहन मालिकों में नियमों का उल्लंघन करने से दहशत फैल गई है। ट्रैफिक पुलिस कड़ी नजर रख रही है, खासकर युवा बाइकर्स पर जो घूमने के लिए निकलते हैं उन पे कड़ी नजर रखे हुए है। आज दोपहर से यातायात पुलिस प्रमुख रामदास चकोले, धीरज पांडे, अजहर पठान और प्रवीण सोरे के साथ शहर के वाहतूक पुलिस प्रमुख रामदास चकोले ने 36 व्यक्तियों के खिलाफ यातायात नियमों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई की। लगभग 10,000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया, जबकि टीम ने कोविड-19 के संहिता का उल्लंघन करने के लिए 39 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की और 15,200 रुपए का जुर्माना वसूला है। वाहतूक पुलिस प्रमुख रामदास चकोले ने कहा कि कल फिर कार्रवाई की जाएगी। इसका एकमेव उद्देश्य है कि कोरोना संक्रमण में वृद्धि ना हो, नागरिकों को बिना किसी कारण से घर से ना निकले, घर पर रहकर कोरोना संसर्ग टाले, यह एक में उद्देश्य रहने की बात चकोले इन्होंने बताई। घर पे रह के ही कोरोना संक्रमण से अपना बचाव करो, ऐसा आह्वान भी किया गया। आज माननीय जिलाधिकारी वर्धा यांच्या आदेशाने आज आणि कोणाला मास्क बांधण्याबाबत त्या कारवायाची मोहीम राबवण्यात सूचना दिल्या होत्या, त्या अनुषंगाने आज टिबरशीत एका वाहनावर बसणार आहे। ते 24 गाड्या पोलीस स्टेशनला डिटेल करण्यात आलेलं आहे आणि इतर मोटरसायकलवाल्यांवर चालान अंतर्गत कारवाई सुरू आहे। वर्धा यांच्या आदेशाने आणि माननीय बंडूराव साहेब ठाणेदार हिंगनघाट यांच्या मार्गदर्शनाखाली 20 गाड्या जप्त केल्या आहे। विनाकारणाने लोक जे फिरत होते त्यांच्या आणि वाहतुकीच्या केसेस करण्यात आल्या, 30 केसेस करण्यात आल्या आणि हळूहळू वाहतूक सुरळीत करण्यात आली आहे। हिंगनघाट से इनबीसीएन न्यूज के लिए रवी एनोरकर की रिपोर्ट।